हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुकू एफएम की एक स्टोरी जिसका नाम है दिल बेचारा, उसके बारे में जो है वो बात करने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं लाइव आई थी तब भी आप लोगों ने मुझे कहा था और कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके भी कहा था कि दीदी अब जो इसमें सिचुएशन चल रही है आप उस पर अपना रिव्यू शेयर करो, अपना ओपिनियन बताओ, अपना रिएक्शन जो है वो बताओ कि भाई क्या हो रहा है और क्यों क्या चीज़ें सही चल रही हैं या फिर आपका क्या ओपिनियन है। बेसिकली आप लोग मेरा ओपिनियन जो है वो जानना चाहते थे इस सिचुएशन को लेकर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही एक चीज़ बताई थी कि काफ़ी टाइम पहले ही मैंने जो है उसको सुनना छोड़ दिया था, यानी मैंने 396 के बाद जो है उसको नहीं सुना था। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बोला दीदी सुनो उनकी लड़ाई हो गई है, ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मे बी वो दोनों अलग हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझे बताई। अब एक चीज़ है, देखो आप लोगों ने मुझे बताई तो मुझे सुनना तो था ही, ठीक है, बट एक ही चीज़ बोलूँगी क्योंकि अगर देखो मेरे वो फेवरेट कपल है, मतलब मेरी फेवरेट स्टोरी है, मुझे अभी तक उसका काफ़ी अच्छा लगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ठीक है, बट अब सिचुएशन जो है ना वो टर्न हो गई क्योंकि जो सिद्धार्थ है उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है अनन्या वो भी वापस आ गई। ठीक है, और साथ में उनके एक और आया है वो रंजीत करके नाम है उनका, जो मतलब अनन्या के अब करंटली बॉयफ्रेंड है या फिर फियांसे कह लो। और दूसरी चीज़ क्या है, सिद्धार्थ और सोनल का रिश्ता। ठीक है, और साथ में वो बीच में अमन वाला ट्रैक आ गया था, तो इस वजह से जो है मैंने ना छोड़ दिया था कि भाई अब वही चीज़ें होएंगी कि भाई दोनों मतलब अब एक्स आ चुकी है तो वो वापस से उसको चाहती है दोबारा से कि वो मेरी लाइफ में आए, तो यही सारी चीज़ें होंगी, लड़ाई वड़ाई होगी तो फिर क्या देखना है। ठीक है, क्योंकि मेरी इमेज जो मतलब मेरे सामने जो इमेज है एक बढ़िया कपल की, यानी सिद्धार्थ और सोनल की, मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहती थी यार। ये लड़ाई वड़ाई होती ना तो मैं देखती नहीं हूँ, मुझे ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी तब की बात अलग है, बट उस टाइम के बीच में जब वो दोनों इंसान टूट रहे होते हैं ना, मतलब ये कह लो उनके अंदर प्यार तो है ही है, बट साथ में वो ये चीज़ भी होती है, गुस्सा है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मतलब वो अंदर से बहुत हर्ट हो चुके होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत बुरा लगता है यार। तो दोनों को देखना पड़ता है, तो दोनों की सिचुएशंस को समझे, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ये गलत है या फिर वो सही है, तो इस वजह से ना मैं ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करती हूँ स्टोरीज में, तो इसी वजह से मैं इसे नहीं सुन रही थी। ये तो था, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने क्यों जो है इसको स्किप कर दिया। अब बताती हूँ आप लोगों ने जो मुझे बताया, ड्रिंक एंड ड्राइव पे आ जाते हैं हम। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, कितनी ही ख़राब सिचुएशन क्यों ना हो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक चलो ठीक है, समझ में आ गया, घर में रख लिया, मतलब जो भी सिचुएशन है यार। देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हाँ आप लोग पियो, नहीं, बट वो कहते हैं ना वो यार आप लोग ही बोलते हो या फिर सीखा ही है, देखा ही है कि भाई गम में लोग जो है वो ऐसे डूब जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो ड्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक है, बट यार आप लोग उसके साथ ड्राइव मत करो, बहुत रिस्की होता है। तो ये तो था एक ज्ञान वाली बात था, तो आप लोग आई होप ये समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़ क्या, उनकी सिचुएशन क्या चल रही थी, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग ना एक छोटी सी चीज़ को लेके थी अगर देखा जाए तो। देखो उस टाइम पे मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, जब ये सिचुएशन हुई थी ना, यानी कि जब सोनल ने पिल्स लेना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, तभी ना मुझे खटका था क्योंकि सिद्धार्थ यार मतलब चाहता था, मतलब वो और उनकी मॉम भी हमेशा कहती रहती थी कि भाई हाँ बेबी बेबी करके, हाँ, और सिद्धार्थ भी जो है वो चाहता था अपना बेबी। बट सोनल ठीक है, वो अपनी स्टडीज़ करियर को लेके चल रही थी, उनके हिसाब से वो ठीक थी और सिद्धार्थ जो थे वो अपने हिसाब से ठीक थे। अब बस उन्होंने एक गलती कर दी, वो ये कि उन्होंने सिद्धार्थ से इस बारे में बात नहीं करी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके नेचर की वजह से हुआ है। ठीक है, यानी आप लोगों ने भी देखा उनका नेचर कैसा दिखाया गया, वो इनोसेंट सी अपनी बातें सामने नहीं रख पाती। यार एक बात बताओ, आपकी शादी हो चुकी है, अब आपका रिलेशनशिप स्टेबल है, सब चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी है, तब आप लोग बताने से क्यों घबराना है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, वो अभी नहीं चाहती थी, मतलब बेबी नहीं चाहती थी, तो वो बता सकती थी, वो पिल्स लेने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, चलो वो ले रही थी वो भी चलो ठीक है, बट एक बार वो उनसे अपने हस्बैंड से डिस्कस तो कर सकती थी, बट नहीं किया उन्होंने। तो अब ये चीज़ को उठेगी तो फिर तो वही वाली बात है, अब सिद्धार्थ के सामने सच्चाई आ गई तो अब वो अपने हिसाब से जज करेंगे ना, सीधी सी बात है, इसमें मैं हूँ कोई भी हुआ वो अपने हिसाब से जज करेगा कि भाई मैंने वो ऑलरेडी सारी चीज़ों से क्लियर था, ये चाहता था वो बेबी, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला इन चीज़ों को लेके, जब उसने सोनल का साथ दिया उसने क्लियर करी सारी चीज़ें। बट ये सोनल के अंदर ही एक कमी थी कि वो बताती ही नहीं थी कि वो उसको क्या चाहिए है या फिर उसकी क्या नीड्स हैं,
उसने कभी भी खुल कर ना अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, तो ये चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना। अब उसको पता चला, अब वो बोल रहा है तुमने मेरा प्यार देखा, अब नफरत देखोगी, तो वही वाली चीज़ है यार, अब देखेंगे तो देखेंगे ना। तो यही चीज़ थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अब ये तो था, ये एक सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट हो गई। हालांकि मुझे तो ये लगा था, देखो आप लोगों को भी पता है कि अनन्या जो है, अब उनका भी मतलब एक तरीके से ये कह लो अनन्या पायल जो है वो मिल गई हैं, और जो भी अब अनन्या की लाइफ भी कोई खुश मतलब ऐसी नहीं है कि खुश टाइप वाली, हाँ, क्योंकि अब वो रंजीत जो है उनकी तो लीला ही नहीं आ रही है, ठीक है। पता है आप लोगों के कहने पे, मैंने देखो पूरा तो नहीं सुना, बट जितनी आप लोगों ने मुझे सिचुएशन जो है वो बताई और फिर थोड़ा बहुत मैंने भी उसको देखा, तो उस हिसाब से तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि भाई ये जो हो रहा है ना ये बेकार है। मतलब मैं नहीं चाहती कभी भी किसी कपल के बीच में ऐसे लड़ाई बड़ाई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, इसलिए क्लियर होके सारी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। अब ये है कि ये जो स्टोरी है देखो मेरे लिए बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग से मैं बोल रही थी कि भाई हाँ किस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, तो यार थोड़ी बहुत सोनल को भी सोचना चाहिए था। अब ये आप लोग बोलोगे कि मैं एक साइड हो रही हूँ, बट मैं एक साइड नहीं हो रही हूँ, ठीक है। बट देखा जाए तो यही चीज़ सच है ना, पूरी स्टोरी को अगर आप लोग देखोगे हर जगह जो है सिद्धार्थ ने सोनल को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, उनके लिए उन्होंने सब कुछ किया, जो वो चाहती थी उन्होंने वो किया। बट कहीं ना कहीं फिर वो सोनल की बारी जब आई तो वो तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बट उन्होंने जो है वो लीला ही उनकी न्यारी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यार थोड़ा सा खटका, देखो अगर मुझे बुरा लगा कि भाई हाँ सिद्धार्थ अपनी जगह ज़्यादा ठीक थे, सोनल ने वो हालांकि उन्होंने ये चीज़ बताई कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही ये करना छोड़ दिया था, मतलब पिल्स लेना जो है वो छोड़ दिया था, बट फिर भी एक चीज़ होती है ना, अब उनको तो यही हो गया, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं और ये वो, अब इसके बीच में दोनों की लड़ाई हो गई है, वो बहुत बड़ी है कि ये कह लो छोटी सी बात थी, बट देखो कितनी बड़ी इनके बीच में लड़ाई हो गई है। अब यही, अब सोनल अब बस यही देखना है कि दोनों ये जो है वो वापस कैसे साथ आते हैं, और जो ये इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या चीज़ें हुई या सोनल का क्या नज़रिया था या फिर सिद्धार्थ का जो है वो क्या नज़रिया था, अब वो दोनों साथ में कैसे आते हैं, बस यही देखना है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है, या फिर कौन जो है आता है इनके बीच में जो इनकी सुलह कराएगा, या फिर ये खुद करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या नहीं होने वाली, बट ये जो कुछ एपिसोड है ना ये एकदम आप लोगों के दिमाग और दिल को हिला कर रख देंगे, क्योंकि एक बर्डन सा क्रिएट होता है ना, अगर आप लोगों के फेवरेट कपल है, आप कोई फेवरेट स्टोरी जो है वो डेली सुन रहे हो, फिर उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो आपका भी तो, आप भी तो डिस्टर्ब होते हो, राइट। तो यही चीज़ें हैं ना, जब तक आप देखो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर नहीं हो जाती, जब तक वो दोनों साथ नहीं आ जाते ना, तब तक मैं नहीं सुनने वाली, क्योंकि एक साथ मैं झेल सकती हूँ, बट अलग अलग एक एक एपिसोड को मैं डेली झेलूँ ये मेरे से नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि एक ही बारी में सुन लूँगी तब तो ठीक है, फिर भी कि भाई हाँ चलो जो भी है, फाइनली 10 एपिसोड मैंने सुन लिए और उसमें जो है 10 में वो क्लियर हो गई, ठीक है, वो दोनों वापस से साथ में आ गए, फिर भी ठीक है। बट एक एक करके रोज़ आज मैंने देखा उसने ड्रिंक की, कल मैंने देखा उसने ड्राइव की, और फिर मैंने उसका बदला भी देखा, अब वो दोनों साथ में भी आ गए, मतलब एक अगर स्टेप से आऊँगी ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर दिमाग में ना वही चीज़ें चलती रहती है, इस वजह से जो मैंने उसको अभी स्किप कर रखा है। बट आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला, दीदी इस चीज़ के बारे में बताओ, अपना जो ओपिनियन है वो शेयर करो, तो फिर तो मुझे वीडियो बनानी ही थी, नहीं तो आप लोग तो मुझे डांट देते हैं ना गुस्सा हो जाते कि दीदी ने बताया नहीं। तो फाइनली ये तो था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन। बाकी स्टोरी की मैं बात करूँ यार, देखो स्टोरी अभी भी मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट मैं चाहती हूँ कि सोनल जो है ना वो थोड़ा सा चीज़ों को सीखे, समझे, वो थोड़ा इस दुनियादारी के बारे में जाने, मतलब सिद्धार्थ ने जो उसको हमेशा से बाद में प्रोटेक्ट ही करके रखा है, अब वो थोड़ा सा बाहर निकले और थोड़ा खुलने लगे, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बस बहुत हो चुका है इनका ऐसा नेचर, कब तक सिद्धार्थ इनको संभालेंगे, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, वो पावरफुल है, स्ट्रांग है, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, तो वो प्रोटेक्ट करने को भी तैयार है, देखो वो आखिर में मान ही जाने वाले हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ बस अच्छे से हैप्पी एंडिंग हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ और थी, अब मैं वो बताऊंगी आप लोगों को ना, अलग वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो क्योंकि अब वीडियो की लेंथ जो है ना वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट हाँ मे बी आप लोगों का जो इस सिचुएशन को लेके डाउट्स थे या फिर मेरा ओपिनियन जानना था वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है और या फिर ये कह लो ओपिनियन जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी
जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.